हेलो प्लीज दोस्तों, सीरियल साथीवाना साथिया में आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि कनक और सागर ने मिलकर गहना को फंसा दिया है चीटिंग के आरोप में और बेचारी गहना की पूरी फैमिली को बुला लिया गया है। तो दूसरी तरफ अनंत को राधिका ने अपने ऑफिस में इस तरह से फंसा लिया है और उसके कैबिन में जैमर सिस्टम लगाने की वजह से उसका ना कोई कॉल लग सकता है ना ही किसी का कॉल आ सकता है। तो अनंत को बहुत ही टेंशन हो रही होती है लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा होता और दूसरी तरफ राधिका ही बस ये सोची होती है कि अब मैं इस अनंत के करीब जाने की कोशिश करूंगी और विनीत भी यहाँ पर नहीं है और अब तो हम दोनों का ही टाइम स्पेंड होगा। तो दूसरी तरफ गहना बेचारी प्रिंसिपल को समझाने की कोशिश करती है, वो कभी चीटिंग नहीं कर सकती, बाबूजी सब लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और कनक यहाँ पर और दो चार मिर्ची लगाकर बोल देती है कि ये तो लेट आई थी, इसका मतलब ये थोड़ी है चीटिंग कर सकती है और प्रिंसिपल उस पर और गुस्सा हो जाती है। अब दिखाया जाता है कि गहना को हो चुकी है चीटिंग की खबर की एक किसी और ने नहीं, कनक ने ही ये सब कुछ काम किया है और वो यही हेमा को कहते हुए भी नजर आती है कि जब भी सर से ऊपर पानी निकल जाएगा तब मैं बताऊंगी कि इन गहना आखिर है क्या। तो फाइनली अब गहना आने वाले एपिसोड में ये धमकी देते हुए नजर आएगी कनक को और लास्ट वार्निंग दे देगी कि अगर आपने नेक्स्ट टाइम कुछ भी ऐसा किया तो आपका मैं वो हाल करने वाली हूँ जो आज तक आपने सोचा भी नहीं होगा और कनक को बहुत ही बुरी तरह से वो डरा देती है। तो दूसरी तरफ यहाँ पर अब विनीत को अब गलत साबित करने और उसको बुरा दिखाने के लिए राधिका ने प्लान किया है और एक कलीग्स के एक एम्प्लॉय को इस तरह से फंसाएगी जिससे कि विनीत उस पर बहुत ही बुरी तरह गुस्सा आएगा और उस लड़के का नाम वो लगा देगी कि इसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर खुलेगी अब राधिका की भी पोल। तो दोस्तों आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है जहाँ पर गहना का एक नया अवतार नज़र आएगा कनक को और वो काफ़ी डर जाएगी। तो दूसरी तरफ राधिका की सीसीटीवी फुटेज के जरिए अब अनंत सोचेगा कि क्यों ना सीसीटीवी फुटेज ही देख लिया जाए कि इस लड़के ने आगे राधिका के साथ किया क्या है और उसके बाद नहीं यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज से खुलेगा पूरी पोल और विनीत भी यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज देखकर बोलेगा कि ये तो ऐसे ही हो गया, ये तो कोई कोइंसिडेंस है, राधिका इतना ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर बहुत ही चल तरीके से विनीत यहाँ पर अपनी इस सिचुएशन को हैंडल करते हुए नजर आया और एक बार फिर से राधिका की प्लान फ्लॉप हो जाएगी।